हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। मैंने लास्ट वीडियो में आपको आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, पूरा फिनिश कर दिया था। वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको भी सेंड कर दिया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, ठीक है? और एक्सरसाइज को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम सीड रूट बोथ ए एंड बी, तो सी होगा। ए बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक दियर ओन फूड, प्लांट एनिमल बोथ ए एंड बी, तो प्लांट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, क्लाइक कॉटलेडॉन्स सीड कोट जर्मिनेशन, आंसर होगा सीड कोट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज नॉट डिस्पर्स्ड बाई वॉटर, कोकोनट लोटस कॉटन, आंसर होगा कॉटन। मैंगो सीड्स आर जनरली डिस्पर्स्ड बाई वॉटर मैन विंड, आंसर होगा मैन। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, द डैश प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, आंसर होगा सीड कोट। डैश प्यूरिफाई एयर एंड गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑलवेज फ्रॉम दियर मदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल, आंसर होगा डिस्पर्सल। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन आप लोग नोटबुक में टी नहीं लिखेंगे, सिर्फ पूरा लिखेंगे ट्रू। ओके, सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, ट्रू। सीड आर द डेली फूड ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू। द ग्रोथ ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड ब्रस्टिंग, फॉल्स। वी शुड नॉट स्प्रे पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, फॉल्स। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए, सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, आंसर होगा कॉलम बी में पी पोड। बेबी प्लांट, आंसर होगा सीडलिंग। ओके, सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कोकोनट। खारिफ क्रॉप राइस, रबी क्रॉप वीट। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज यहाँ तक बता दी है। क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी, आप लोग थरली ये वीडियो देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।